महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हादसा कितना दर्दनाक है। यहाँ रेल की पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। इस हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई, इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद ट्रैक पर मजदूरों के शवों के साथ रोटियां भी बिखरी पड़ी हैं, जो उन्होंने खाने के लिए अपने पास रखी थी। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर चलते चलते इतने थक गए थे कि रेल की पटरियों पर ही सो गए। उन्हें क्या पता था कि कोई रेलगाड़ी आएगी जो उन्हें मौत की नींद सुला देगी। ये हादसा शुक्रवार सुबह 5:15 के करीब औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास हुआ है। ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल ही जा रहे थे। जब थक गए तो ये मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। इन्हें क्या पता था कि ये जगह इनकी अंतिम आरामगाह साबित होने वाली है। इन मजदूरों द्वारा रात को रुकने के लिए रेलवे ट्रैक का सहारा लेना काल बन गया। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। औरंगाबाद से कई मजदूर पैदल सफर कर आ रहे थे। सभी मजदूर एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोग औरंगाबाद से गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जालना से औरंगाबाद पैदल जा रहे थे। रात अधिक होने के चलते सभी ने सटाना सिवार इलाके में पटरी पर ही अपना बिस्तर लगा दिया। औरंगाबाद की एसपी ने बताया कि सभी लोग भुसावल जाकर ट्रेन पकड़ने वाले थे। सभी लोग 45 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। भुसावल से स्पेशल ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश लौटने की प्लानिंग थी। हादसे पर रेलवे ने बयान जारी कर सफाई दी है। रेलवे ने कहा है कि ट्रैक पर कुछ मजदूरों को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक मजदूर उनकी चपेट में आ चुके थे। घायलों को औरंगाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया है। रेल मंत्री ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने भी औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे से काफी दुख पहुंचा है। पीएम मोदी ने इस हादसे के बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात भी की है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि महाराष्ट्र रेल हादसे के कारण जान माल का नुकसान शब्दों से परे है। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन से बात की है। हर संभव सहायता करने के लिए कहा गया है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना पर दुख जताया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष विमान से एक टीम को औरंगाबाद भेजा है। ये टीम घायल मजदूरों के उपचार सहित मृतक परिवारों के बारे में जानकारी देगी। वहीं राहुल गांधी ने इस बारे में टिप्पणी की है। राहुल ने कहा है कि मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से मैं स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि लॉकडाउन का जब पहली बार ऐलान हुआ था, तभी से लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहीं फंस गए। खाने रोजगार की चिंता में लिप्त मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए थे। इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी अपने घरों के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल जा रहे मजदूर दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। इन मजदूरों की विकट समस्या को देखने के बाद ही देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन और बसों का संचालन किया गया, ताकि वे अपने पैतृक गांव पहुंच सकें। इसके बाद भी पैदल जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 40 दिनों से अधिक घर पर बैठे इन मजदूरों के पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं रही। यही वजह है कि दोबारा से मजदूरों का पैदल घर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हाईवे पर प्रतिदिन लोगों के जत्थे को पैदल जाते देखा जा रहा है। इन मजदूरों का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हो पाया है और ना ही उन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई जा सकी। इसी तरह का नज़ारा मैनपुरी में देखने को मिला। ये सभी लोग पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। इन मजदूरों से हमारे संवाददाता ने बात की तो इनका दर्द झलक पड़ा। इन मजदूरों ने अपनी आप बीती बताई। जिले के रहने वाले हो? बिहार में। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? अच्छा, एक ही काम करते थे सभी लोग? अच्छा, ये जो ना सरकार दावा करती है कि जितनी भी लेबर पार्टी फंसी हुई है उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको जो सवारी मुहैया कराएंगे, क्या ऐसा कुछ मिला आपको? सवारी वगैरह मिली? कोई सवारी नहीं मिली। खाने की क्या व्यवस्था है? खाने का कुछ भी नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत मार्केट आ रहा था, दुकान खुला रहता था, उसी से लाके हम लोग चला वाला जो भी मिलता था खा लेते। कितने दिनों से लगातार चल रहे हैं? कब तक चलेंगे? कल निकले लगभग 4 बजे। ठीक है, और 6 रोज तो लगेगा ही। 6 दिन लग जाएंगे। पदयात्रा करके आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? अनूपसर। अच्छा, अनूपसर में क्या करते थे आप? टाइल्स का काम करते थे?
तो वहाँ से क्यों चले आए? वहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा था, बेरोजगार बैठे हुए थे, इसीलिए हम लोग चले आए। क्या करेंगे? अच्छा, कितना दिन बेरोजगार रह चुके हो आप वहाँ? हम तो वहाँ करीब 20 रोज से बैठे हुए थे ऐसे ही बेरोजगार में, कोई खाने के लिए नहीं मिला था, इसीलिए भूखा रहे थे, इसीलिए आ रहे थे। अच्छा, कितने दिन हो गए लगातार चलते हुए आपको? चलते हुए तो दो रोज हो गए, 24 घंटे हो गए ऐसे ही। कब पहुँचेंगे आप, कितने दिन बाद? उम्मीद है 6-7 रोज में। अच्छा, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था कैसी, क्या मिली तुम्हें? वो व्यवस्था कोई पता नहीं, और दुकान मिलता 5-6 रुपया समोसा मिलता, जो मिलता खा लेते हैं, वैसे चलता ऐसे चला। अच्छा, कोई सरकार की तरफ से कोई खाद्यान्न वितरण करने वाला या पैकेज देने वाला कोई मिला? कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा? सवारी वगैरह रुकती थी कोई? कोई भी नहीं रुकती। सवारी रोकते थे आप, कोई चलती हुई सवारी को रोकते थे? लेकिन रुकता नहीं था, कोई सा रुकता था, कोई सा नहीं रुकता था। वैसे प्रदेश 2 लाख का मिला। एक मजदूर ने कहा कि वो अलीगढ़ के अनूपनगर में टाइल्स का काम करता है, अब काम बंद हो गया है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, खाने पीने का पैसा भी कंपनी वेतन से काट कर दे रही है, ऐसे में ये मजदूर पैदल ही बिहार के अररिया जाने को मजबूर है। आ रहे हो पैदल अपने घर की तरफ, जर कहाँ से आ रहे हो? अनूप शहर से आ रहे हैं। कहाँ पे है अनूप शहर? आगे है, अलीगढ़ से आगे। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बिहार जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए लगातार चलते हुए? 2 दिन। 2 दिन से लगातार चल रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं रास्ते में, कोई साधन क्यों नहीं मिल रहा है? लगातार तुम चल रहे हो और क्यों जा रहे हो अपने घर? जा रहे हो, काम नहीं चल रहा है, खाने पीने का तकलीफ हो रहा है, लोग इसलिए घर चले। रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है आपको? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला रास्ते। कितने घंटे लगातार आप चलते हो गए? 24 घंटे लगातार चल रहे। कितने रात में भी चला है पूरा रात। कितने दिन में पहुँचा? कितने दिन में आप वहाँ बिहार पहुँच जाओगे? 5-6 रोज लग जाए। 5-6 दिन लग जाएंगे। अच्छा, किस जिले में जाओगे आप? अररिया जिला। अगड़िया? अररिया जिला। अररिया जिला, चलिए ठीक।